हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 12th अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग रेशोस। अब प्रीवियस लेक्चर तक हमने सारे एक्टिविटी रेशोस कवर कर लिए थे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। बिसाइड्स हमने एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड भी TRTRO TCTR के साथ में कर लिया था। ठीक है, अब हम इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हमारा फोर्थ क्लासिफिकेशन, दैट इज व्हाट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस। ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस का हम इस लेक्चर में कंसेप्ट समझेंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस में सबसे फर्स्ट रेशो पे हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने थ्री क्लासिफिकेशंस पढ़ ली। एक तो लिक्विडिटी रेशोज, जो बिजनेस की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड, सॉल्वेंसी रेशोज, जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी या सॉल्वेंसी पोजीशन को, लॉन्ग टर्म डेट्स या लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस की पोजीशन को बताते हैं। एक्टिविटी रेशोज, बिजनेस कितना एक्टिव है, आपका टर्नओवर डिफरेंट डिफरेंट फेनोमेना है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर कितना बनता है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड इसके अंदर वर्ड यूज किया गया है प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, और ये जो प्रॉफिटेबिलिटी वर्ड डिटरमाइन किया गया है, दैट इज फ्रॉम द वर्ड व्हाट, प्रॉफिट। हमने प्रॉफिट से डिटरमाइन किया है प्रॉफिट और इनकम। अच्छा, प्रॉफिट कब आता है? प्रॉफिट अराइव्स आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम द रेवेन्यूज। आप क्या करते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस को उसकी रेवेन्यू में से माइनस कर दो तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होंगे, वहां पर दो टाइप के प्रॉफिट आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंसीडर करते हुए आता है, नेट प्रॉफिट फाइनल प्रॉफिट हमारा फाइनली आता है। लेकिन प्रॉफिट चाहे ग्रॉस हो या नेट हो, कंसर्न रेवेन्यूज में से कंसर्न एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद में वी विल रीच टू द प्रॉफिट। इट मींस आपके जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हैं, वो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को बनाएंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन डिटरमिन होती है बाय द पोजीशन ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। मींस आपको अपने बिजनेस में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को कंसीडर करना पड़ेगा। ऑल दीज रेशोज एक्चुअली बिलोंग्स टू द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज। ओके, तो हमें रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को लेकर के चलना है। एक्चुअली एक्टिविटी रेशोज में इससे पहले जो हम रेवेन्यू को डिफरेंट बेसिस के ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में डिफरेंट वेरिएबल्स को रेवेन्यू या सेल्स की बेसिस पे कैलकुलेट करके देखेंगे। देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट रेशो होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। सेकंड रेशो होगा हमारा नेट प्रॉफिट रेशो। थर्ड रेशो होगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। हमारा प्रॉफिट भी दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और फोर्थ रेशो इज व्हाट, अवर ऑपरेटिंग रेशो। फिर उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी रेशोज हैं, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस है, ये बात अलग है कि डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, नेट प्रॉफिट फाइनल प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस होता है, वो हम स्पेसिफिक कंसर्न लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और लास्ट इज व्हाट, ऑपरेटिंग रेशो। ये एक स्पेसिफिक रेशो है जो कॉस्ट को एक्चुअली शो करता है। अब हमारे ये जो क्लासिफिकेशन है, इस लेक्चर में हम सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ठीक है, हमारा सबसे पहला इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, और इसको हम जीपी रेशो या जीपीआर भी कुछ लोग बोलते हैं। फॉर्मूला होता है इसमें ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन व्हाट, आरएफओ इनटू व्हाट, 100। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए फॉर्मूला देखकर हमें समझ में आता है, और इतने सारे लेक्चर्स के बाद में आपको ये तो समझ आ गया होगा कि रेशो कार्ड का एक्चुअली इंटरप्रिटेशन किस तरह करना है। इट मीन्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ आरएफओ। जो डिनोमिनेटर है वो बेसिस है, जो न्यूमरेटर में उसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, और इनटू 100 लग गया, मींस हमें ये देखना है कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का एक्चुअली कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली देखा जाता है। क्यों? देखिए, सिंपल सा फंडा है, आप प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई एब्सोल्यूट टर्म में दो कंपनीज हैं, कंपनी ए, और या मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि भाई एक कंपनी है 2022 में और 2023 की इंफॉर्मेशन दे रखी है। इस साल की उसकी सेल्स थी 10 लाख रुपीस, और इस साल की उसकी सेल्स हो गई कितनी, 20 लाख रुपीस। ठीक है, और इस बार का उसका पहले प्रॉफिट था उसका 4 लाख रुपीस का, और इस बार का प्रॉफिट उसका 7,80,000 रुपीस का आ गया। ठीक है, अब कहने को वो ये बोल रहा है कि भाई मेरा प्रॉफिट और मेरी सेल्स दोनों मैंने बढ़ाई। एब्सोल्यूट टर्म में तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि भाई हाँ, कि 10 लाख से 20 लाख डबल हो गई देखा जाए तो, और 4 लाख से 7,80,000 तो प्रॉफिट भी तो इंक्रीज हुआ ना, फ्रॉम 4 लाख टू 7,80,000। अब उसका ये कहना है कि मैंने हमारे बिजनेस का प्रॉफिट भी इंक्रीज कर दिया, टर्नओवर भी इंक्रीज कर दिया। टर्नओवर इंक्रीज कर
दिया, यहां तक तो सब ठीक है, बट प्रॉफिटेबिलिटी ये इसके अंदर थोड़ा सा वो गड़बड़ कर रहा है। एक्चुअली क्या था, देखिए लास्ट ईयर 10 लाख की सेल पे 4 लाख का प्रॉफिट अर्न किया था, तो 4 लाख अपॉन 10 लाख इनटू 100 इज इक्वल्स टू 40% लास्ट ईयर का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर कितना था, 40% था। करंट ईयर में 7,80,000 मैंने किया ऑन द बेसिस ऑफ 28 लाख, तो नियर अबाउट 36-37% एक्चुअली आता है। तो नो डाउट सेल्स उसने डबल कर ली एब्सोल्यूट टर्म में, लेकिन प्रॉफिट को वो प्रीवियस लेवल पर भी मेंटेन नहीं कर पाया। तो हम उसको बोल सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई देख तू अगर एटलीस्ट 8 लाख रुपए का भी प्रॉफिट लाता तो हम ये तो बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट टर्म के अंदर प्रॉफिट तो इंक्रीज हो गया, लेकिन कंपैरेटिव टर्म के अंदर बेसिकली नहीं हुआ, मींस परसेंटेज वाइज इसके अंदर नहीं हुआ, 40% ही रहा, बल्कि यहां तो तेरा प्रॉफिट और 40% से डाउन होकर 36-38% अप्रोक्सीमेटली चला गया, मींस 2-4% का प्रॉफिट अपना डाउन हो गया। टर्नओवर बढ़ा लेना यही सब कुछ अपने आप में नहीं है, प्रॉफिट एक्चुअली इसके अंदर क्या हो गया, कम हो चुका है। तो एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है ये आपको रेशियो शो करेगा बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड व्हाट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आरएफओ के बीच में, ठीक है, और ये बताएगा कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपकी सेल्स का एक्चुअली कितना परसेंट होता है। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट अपने आप में सिर्फ एक वर्ड नहीं है, पूरी की पूरी फेनोमेना है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट, अब मैं इसको इसके एलिमेंट से बात करें, अगर हम बात करें अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है बाय डिडक्टिंग COGS और CRFO फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। इट मींस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सिर्फ आपको ग्रॉस प्रॉफिट की ही पोजीशन नहीं बताता, ये आपको आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की पोजीशन भी एक्चुअली शो करेगा, आपका आरएफओ कितना, COGS कितना, ये भी एक्चुअली आपको बताएगा, क्योंकि जीपी का डिटर्मिनेशन होता ही आरएफओ में COGS डिडक्ट करने के बाद में, ठीक है। अब मान लें जैसे मैं एक और तरीका बताता हूं उसमें, जैसे अगर आपका जीपी रेशो 20% आया तो आप समझ जाइएगा कि आपका COGS का रेशो 80% है, मींस आपकी COGS आपकी सेल्स का 80% है, तो 100 में से 80% COGS में लग जाता है, तो 20 रुपीज जो बचता है 20% दैट विल बी द पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है और उसी से हम ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअली बनाते हैं। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आरएफओ माइनस COGS। अच्छा अभी हमें इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अब COGS भी आएगा। वैसे COGS में प्रीवियस के अंदर बता चुका हूं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में, फिर भी आपको एक बार बता दूं, COGS जो होता है इसके दो हमारी अप्रोचेस होती हैं, एक तो ट्रेडिशनल जो हम 11th क्लास में पढ़े थे सोल प्रोप्रेटर और पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओपनिंग स्टॉक प्लस व्हाट नेट परचेसेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस व्हाट क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक मींस स्टॉक एट द बिगिनिंग, नेट परचेस कैश परचेस प्लस क्रेडिट परचेस माइनस परचेसेस रिटर्न, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको पता है 11th क्लास में पढ़कर आए, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेसेस, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन फैक्ट्री, ऑल दीज आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और इसका जो मॉडर्न एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 2 की जो इनकम स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली COGS या CRFO का फॉर्मूला बनेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस व्हाट परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, हम क्या लेते हैं परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ, चेंजेस इन इन्वेंट्री होती है थर्ड रीडिंग, प्लस व्हाट ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको एक्चुअली कहाँ मिलते हैं, हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें मिलेंगे एक तो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, और मिलेंगे हमारे पास अदर एक्सपेंसेस में। ये आपको क्वेश्चन के अंदर नोट देगा, तो उस नोट के अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। तो हमारे पास जीपी, जीपी का क्या फॉर्मूला होगा, आरएफओ माइनस COGS, उसके डिटरमिनेशन के लिए हमारे पास COGS की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस में वो हमारे पास है, आरएफओ क्वेश्चन के अंदर होगा, परसेंटेज बेसिस पर हमें इसको एक्सप्रेस एक्चुअली करना है। तो ये हमारा कंसेप्ट और कंपोनेंट्स है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के। नाउ वी विल मूव टू सम न्यूमेरिकल ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, CRFO 5,40,000, RFO 6 lakhs, ठीक है। तो CRFO means cost of goods sold दिया है 5,40,000 और RFO देके रखा है रुपीस what 6 lakhs, ठीक है। Therefore GP का formula अभी मैंने बताया, RFO minus COGS, that is 6 lakhs minus what 5,40,000, that is rupees what 60,000, therefore GP ratio का formula क्या हो जाएगा, GP upon RFO
into what? 100. So GP is 60,000. RFO is rupees 6 lakhs. 6 lakhs into 100. That is equals to what? 10%. So our GP, our RFO ka 10%. Next question is calculate GP ratio from the following data. Cash sales are 20% of total sales. Credit sales 5 lakh. Purchase is 4 lakh. Excess of closing inventory over opening inventory is 25,000. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा. कैश सेल इज 20% ऑफ टोटल सेल्स. तो हमारे पास टोटल सेल्स एक्चुअली क्वेश्चन में नहीं है. तो टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्स. तो टोटल सेल्स अगर एक्स है तो उसने क्या बोला है, हमारा कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स. देयरफॉर कैश सेल्स इज इक्वल्स टू एक्स का 20%, दैट इज वॉट एक्स बाय 5, है ना. और क्रेडिट सेल्स 5 लाख रुपए देके रखी है, ठीक है जी. क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू रुपीज 5 लाख. देयरफॉर टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस वॉट? क्रेडिट सेल्स. टोटल सेल्स को मैंने एक्स माना है, कैश सेल्स एक्स बाय 5 है, ये मेरा है 5 लाख रुपये अपॉन में 1. तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 और ये हो जाएगा x प्लस वॉट? 25 लाख्स. ठीक है, तो 5x माइनस x इज इक्वल्स टू 25 लाख्स. 4x इज इक्वल्स टू वॉट? 25 लाख्स. x इज इक्वल्स टू 25 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर हो जाएगा हमारा 25 लाख डिवाइडेड बाय 4 इज 6 लाख. x इज इक्वल्स टू रुपीज 6 लाख 25,000. दिस इज अवर एक्स. किसको माना था? टोटल सेल्स. ये आ गई हमारी, आगे इंफॉर्मेशन में है परचेसेस एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोज एक्सेस ऑफ ओपन क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री इज 25,000. मीन्स क्लोजिंग ओपनिंग से 25,000 रुपीज ज्यादा है, ठीक है ना. तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सी ओ जी एस हमारे पास आ गई. तो सी ओ जी एस में फॉर्मूला लगा देंगे हम इसमें. क्या लगेगा इसमें? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेसेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्री प्लस व्हाट? डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, तो COGS मेरे पास, अच्छा ये सेल्स 625,000 है और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, जीरो ले रहा हूँ. परचेसेस इसके अंदर देखे रखी है 4 लाख. अभी ये बोल रहा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग ओपनिंग से 25,000 रुपया ज्यादा है. और हमारा चेंजेस इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ये जो चेंजेस इन इन्वेंट्री होती है दैट इज व्हाट? ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. ठीक है, तो ये अगर ये 25,000 ज्यादा है तो दैट शुड बी व्हाट? माइनस 25,000. तो ये हो गया माइनस 25,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं है. तो आंसर विल बी व्हाट? 3,75,000. ये आ गई मेरे पास. देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे 6,25,000 माइनस व्हाट? 3,75,000. तो आंसर विल बी 2,50,000. Therefore, GP ratio is equals to 2,50,000 upon 6,25,000 into 100. So answer will be divided by 6,25,000 into 100 is equals to what? 40%. Aapka GP ratio 40%. Next question is opening inventory 2 lakh, closing inventory 1,20,000. Inventory turnover ratio is 8 times, selling price 25% above cost. Calculate GP ratio. Bahut simple sa question hai. हमारे पास यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो देके रखा है 8 times. ठीक है, और एवरेज इन्वेंट्री के लिए मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री है. ओपनिंग 2 लाख है, क्लोजिंग 1,20,000. तो 2 लाख प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज व्हाट? रुपीज 1,60,000. ठीक है, अब मैं ITR का फॉर्मूला लगाता हूँ. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल्स टू COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 8 इज इक्वल्स टू x अपॉन 1,60,000. देयरफॉर x और COGS इज इक्वल्स टू 1,60,000 इंटू 8, दैट इज रुपीज 12,80,000. 12,80,000 रुपया हमारा COGS बन गया. ठीक है, चलो जी, COGS भी आ गया हमारे पास. सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट. ठीक है, तो देयरफॉर जीपी कितना होगा इसका? 25% 12,80,000 इंटू 25% अबव कॉस्ट बोला है ना, तो 12,80,000 का 25% होता है 3,20,000 रुपीज. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया. अच्छा, इससे फिर हमारा सेल्स निकल जाएगा. COGS प्लस
ग्रॉस प्रॉफिट, COGS मेरे पास 12,80,000 की है, ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास 3,20,000 रुपीस का है, तो 12,80 प्लस 3,20,000 इज रुपीस 16 लाख, ये मेरे पास RFO आ गया। जीपी है, RFO है, therefore जीपी रेशो इज इक्वल्स टू 3,20,000 जीपी अपॉन 16 लाख इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, एवरेज इन्वेंटरी 3,20,000, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, वो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो देख रखा है, उसी से वैल्यू निकलेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 4 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, कैश सेल्स इज 25% ऑफ नेट सेल्स। एक्चुअली ये जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए देख रखा है। एनीवे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर। देखिए, एवरेज इन्वेंटरी 8 लाख, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, तो मैंने लगाया फॉर्मूला इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का, COGS अपॉन व्हाट एवरेज इन्वेंटरी, ये देखे रखा है 8 और इधर देखे रखा है 3,20,000, तो x अपॉन 3,20,000, देयरफॉर COGS इज इक्वल्स टू 3,20,000 इंटू 8, दैट इज व्हाट रुपीज 25,60,000, ये मेरे पास COGS आ गया। अब मुझे चाहिए सेल्स, तो सेल्स के लिए मेरे पास TRTR ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो की इंफॉर्मेशन है, 6 टाइम्स देके रखा। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट RFO अपॉन व्हाट एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, TRTR गिवन है 6 टाइम्स, 6 इज इक्वल्स टू, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है 4 लाख, ये आ गया जी 4 लाख, तो ये हो गया x, देयरफॉर क्रेडिट RFO इज इक्वल्स टू 6, 4, 24 लाख, बट ये क्रेडिट सेल्स है और जीपी रेशियो में वी नीड व्हाट नेट सेल्स, RFO चाहिए मुझे। चलें, क्रेडिट है, कैश निकाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा मेरे पास, इसने बोला है कैश सेल इज 25% ऑफ नेट सेल्स, लेट द नेट सेल्स बी एक्स, अब नेट सेल्स तो है नहीं मेरे पास, होती तो मैं उसी टाइम कैलकुलेट कर लेता, देयरफॉर व्हाट कैश सेल्स इज इक्वल्स टू इसका कितना परसेंट, 25%, एक्स इंटू 25/100, दैट इज व्हाट एक्स अपॉन 4, देयरफॉर नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस व्हाट सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स तो मेरे पास है नहीं, क्या लिए मैंने एक्स लिया है, कैश सेल्स को एक्स बाय 4 लिया है, ये मेरे पास 24 लाख है, सेल्स रिटर्न को 0 अज्यूम करता हूँ मैं, ये हो गया LCM इसका, LCM विल बी 4x प्लस 96 लाख रुपीज़, ये 96 आ जाएगा है ना, और फिर इधर हो जाएगा 4x माइनस x इज इक्वल्स टू 96 लाख, 3x is equals to 96 lakhs, x is equals to 96 lakhs upon 3, तो ये हो जाएगा 96 lakh divided by 3 is equals to rupees what 32 lakh rupees, ठीक है, ये हमारे पास 32 lakh आ गया। x हमने किसको माना था, नेट सेल्स को, ये आ गई, अच्छा नेट सेल्स है COGS है, तो therefore GP is equals to RFO minus CRFO 32 lakh minus 25,60,000, तो आंसर विल बी 25,60,000, 6,40,000 विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट, देयरफॉर जीपी रेशियो इज इक्वल्स टू 6,40,000 अपॉन 32 लाख इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 20%। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, इसमें मैंने करीब करीब सारे टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कवर करने की ट्राई किया है। स्टिल अगर इसके अलावा किसी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको डाउट या क्वेरी लगती है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा आपका कमेंट पढ़कर रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है सो, तो इसे अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बस, नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी एकेडमी, थैंक यू।